हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स स्टडी टुगेदर। अब तक फ्रेंड्स आपने मेरी आई होप सारी वीडियोस देख ली होंगी जो भी हमने स्टार्ट की थी यूपी से रिलेटेड। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, तो उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स को लेके हम उसको आए हैं। बहुत सारे उसमें टॉपिक्स मिक्स है, स्पेशली आपके करेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर सकते थे वो सारे के सारे हमने उसमें कवर किए, क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसको हम कंटिन्यू रखें और आपका वो फ्लो ना टूटे, वो फ्लो आपका बना रहे, जिससे आपके लिए भी आसानी रहे और हम आपको रेगुलर वो आपका कराते रहेंगे, राइट। उसी के साथ साथ जैसे कि मेरी पिछली वीडियोज में हमने कुछ सब टॉपिक्स बनाए थे, तो उसी सब टॉपिक्स में से आज का हमारे एक और सब टॉपिक में लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि अवार्ड्स बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे अवार्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसी अवार्ड को ध्यान में रखते हुए आज का मैंने एक सब टॉपिक बनाया है। तो इसमें आज हम देखेंगे हमारे हिंदी संस्थान के जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी हमारे उससे रिलेटेड अवार्ड्स हैं, जितने भी पर्सन को वो अवार्ड दिए गए हैं, सम्मानित हुए हैं लोग, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। तो मेरी पिछली वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, आपकी उससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, एक फ्लो बना रहेगा, रिदम रहेगा। डेली का डेली आपको थोड़ा थोड़ा करके हम करंट के क्वेश्चंस टॉपिक्स लाते रहेंगे, तो आप डेली का डेली उसको थोड़ा थोड़ा भी अगर कवर करेंगे तो लास्ट तक आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप प्लीज उन वीडियोस को देखिएगा और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखते रहिएगा, वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्पफुल हो वो वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का। तो अगर मैं बात करूं पहले की, तो सबसे पहले आते हैं हमारे राम प्रकाश शुक्ल। देखिए, राम प्रकाश शुक्ल बहुत ही फेमस कवि है, आई होप सबने आप सबने उनका नाम सुना होगा, और इनको हम प्यार से निर्मोही भी बुलाते हैं, इनको हमने निर्मोही नाम दिया है। तो इनका अभी कुछ समय पहले ही निधन हुआ है और ये भोजपुरी के कालिदास भी कहे जाते हैं। तो इससे आपको दो चीजें बन रही, निर्मोही किसको कहा जाता है, तो राम प्रकाश शुक्ल जी को निर्मोही कहा जाता है, निर्मोही नाम से इन्हीं को बुलाया जाता है। अगर इनकी कोई काव्य संग्रह आप देखेंगे तो उसमें निर्मोही नाम ही आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ऑलमोस्ट। तो उसी के साथ साथ मैं आपको बता रही थी कि इनका अभी कुछ समय पहले ही निधन हो गया है, कुछ टाइम पहले ही इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये भोजपुरी के कालिदास कहे जाते हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि भोजपुरी का कालिदास किसको कहा जाता था, तो वो है आपका राम प्रकाश शुक्ल जी को भोजपुरी का कालिदास कहा जाता था, राइट। इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह में से काला नाग क्रुद्ध और अंजुरी भर फूल, ये इनके मेन है, कुछ मेन काव्य संग्रह है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंजुरी भर फूल किसका काव्य है या किसका काव्य संग्रह है, तो आप बता दीजिएगा। काला नाग क्रुद्ध किसका काव्य संग्रह है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसी के साथ हमारा सेकंड जो है वो है हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में खोला गया है, जो कि वाराणसी में है हमारा ये वैदिक विज्ञान, यानी कि जितनी हमारी वेदों से रिलेटेड जो हमारी एक रिसर्च चल रही है। देखिए, वेद बहुत ही हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज है और उससे भी ज्यादा हमारे देश की, हमारे संस्कृति की धरोहर है। आज हम ही नहीं, न जाने कितने देशों के लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें दी हुई, ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये खोला गया है, जहां पर इन सारी चीजों की रिसर्च होगी, उसमें हम और ज्यादा उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, हमें जानने में मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वैदिक विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया, कहाँ खोला गया है, तो ये हमारा जो हमारा BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसी में ये खोला गया है और ये है हमारा वाराणसी में, राइट। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट है भारत भारती सम्मान। ये एक सम्मान है भारत भारती के नाम से, तो ये इस साल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस साल ये सम्मान किसको मिला है, तो डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को इससे सम्मानित किया गया है, भारत भारती से सम्मानित किया गया है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को, राइट।
तो ये आप लिख भी जरूर लीजिएगा, आई होप आपके लिए ये लिस्ट अगर आप बना लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कभी भी आप इसको देख सकते हैं, तो आप इसको जरूर लिख लीजिएगा अच्छे से। उसी के साथ साथ नेक्स्ट है हमारा लोहिया साहित्य सम्मान। लोहिया साहित्य सम्मान ये भी साहित्य से रिलेटेड, हमारा साहित्य के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है ये सम्मान। तो इस साल ये सम्मान जो मिला है वो है आनंद मिश्र को। ये अब है, ये इनका लिखा हुआ है, तो लोहिया साहित्य सम्मान से आनंद मिश्र जी को सम्मानित किया गया है। उसी के बाद नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी गौरव सम्मान। हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ से दो तीन क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपके अवार्ड के फील्ड से। मैं आपसे बार बार अपनी हर वीडियो में बोलती जा रही हूँ कि अवार्ड्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि किसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये जरूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी गौरव सम्मान से, तो डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को सम्मानित किया गया है। उसी के साथ साथ महात्मा गांधी साहित्य सम्मान ये किसको मिला है, ये डॉक्टर नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया है। गांधी साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से इनको नवाजा गया है, डॉक्टर नंद किशोर आचार्य जी को। उसी के साथ साथ अब जो आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी को, राइट। तो ये आप याद रखिएगा। उसी के साथ साथ अवंतीबाई साहित्य सम्मान, अवंतीबाई साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नेत्रपाल सिंह जी को, नेत्रपाल सिंह जी को अवंतीबाई साहित्य सम्मान मिला है। देखिए यहाँ से सारे ये दो साहित्य से रिलेटेड है तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उसी फील्ड से, तो ये आप कह सकते हैं कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर वाले जो एक फील्ड होता है ना, तो सारे लिटरेचर के फील्ड से है ये। तो अवंतीबाई साहित्य सम्मान मैंने आपको बताया, अभी भी प्रोफेसर नेत्रपाल सिंह जी को मिला है। उसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान। ये मिला है साहित्य अनुशीलन समिति, ये एक समिति है मद्रास की, ये उसको मिला है। ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मिलता है, पूरी एक कमेटी होती है, समिति होती है जिनका वर्क होता है, ये पूरी उस कमेटी को दिया जाता है। तो ये सम्मान साहित्य अनुशीलन समिति को मिला है, जो कि कहाँ की है, बेसिकली मद्रास की है, तो ये आप याद रखिएगा। उसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारा लोकभूषण, लोकभूषण डॉक्टर आधा प्रसाद सिंह जो कि प्रदीप के नाम से फेमस है, उनको मिला है। ये कुछ मैंने इनके होता है ना, हर कवि अपना एक कवि नाम अलग रखता है, तो इसी तरीके से इनका जो नाम है वो प्रदीप है, तो इनको लोकभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसी के साथ साथ कला भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मंजुला चतुर्वेदी जी को, ये भी बहुत फेमस नाम है हमारा, तो ये आप याद रखिएगा, डॉक्टर मंजुला चतुर्वेदी जी को कला भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया है। लास्ट हमारा आता है विद्याभूषण, विद्याभूषण सम्मान मिला है डॉक्टर हरिशंकर जी को। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये हमारे कुछ मेन और कुछ प्रमुख हमारे ऐसे सम्मान और अवार्ड्स हैं जो कि हिंदी संस्थान पुरस्कार के नाम से हमने इसकी सब टॉपिक बनाया है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी, इनका काम भी, और ये मैं आपसे एश्योर कर रही हूँ आपको कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए अपने साथ में और पढ़ने वालों के साथ, जिससे कि सबके लिए हेल्पफुल रहे। तो इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक या टॉपिक्स को पढ़ाएंगे और उसी करंट अफेयर्स को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो आप इसको जरूर देखिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा।